कोई सोने अंगूठी पहनाई जा रही है। हो जाएगा मम्मी आ गई। डेट हम लोग फिक्स कर रहे हैं गाइस। जो रसम के लिए सामान आए थे वो ये है। लड़का होना इतना भी आसान नहीं है। बहुत हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और हम हैं फोकस। सो गाइस आ गए हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ और आप लोग की खुशी आपको जो जानना है आप लोगों को पता चल ही गया रहेगा हम लोग वो कैप्शन देख के। तो ये बताना चाहते कि हाइफा का वो जो लास्ट टाइम आया था रिश्ता, आप लोग समझे नहीं थे रिश्ता आया है। रिश्ता आया है मतलब लड़की का ही पहले रिश्ता, पहले लड़के वाले लोग आते हैं फिर लड़की वाले लोग जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये सब चीज हो गया हम लोग का। तो आज रसम है मतलब आज लोग आएंगे और थोड़ी रसम, हाँ थोड़ी रसम करेंगे और फिर देख लेना हम लोग के घर में। वैसे और भी मतलब हम लोग ये नॉर्मल अभी कर रहे हैं तो, और अभी दिखाते आप लोगों को कि आज करेंगे क्या क्या। अभी हम लोग जा रहे हैं सामान लेने नाश्ते का और उन लोग ने बोले कि हाइफा खाना अच्छा पकाती है गाइस। हाँ तो वो ना अभी अपने हाथ से, हाँ अपने हाथ से खाना पका रही है ताकि उन लोग को अच्छा लगे। क्या बना रही है, कैसा बना रही है, जाके उसके व्लॉग चैनल पे देख लेना गाइस। चलो गाइस चलते हैं अभी सामान लेने। हम लोग आ गए हैं सामान लेने के लिए। क्या लेके? हाँ और हम लोग एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, लड़कियां मोस्टली लड़कियां ही सोचती है कि लड़का होना, मुझे लड़का होना चाहिए था, लड़का होती तो अच्छा रहता। गाइस ऐसा नहीं है, मतलब लड़का होना इतना भी आसान नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है करने के लिए, तो हर चीज़ सोचना पड़ता है। हर कोई नहीं समझ पाता ये चीज़, लेकिन दिलासा दे रहा तेरे को भी। छोड़ो गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं सामान लेने के लिए, चलो लेते हैं। ये क्या था? मीम। अच्छा मीम है, चलो चलो। क्या क्या लेने का है? चूड़ा तो ले चुके, चूड़ा उड़ा ले लिए, चूड़ा बेफोर ले लेते थोड़ी। हाँ और ये बोला कि बर्गर खिलाने लेके जा रहा हूँ। बैगन अबे यहाँ इम्पोर्टेंट काम करने का, तुम लोग को इधर उधर की सूझ रही है। हाँ और हाँ चलो ठीक है, समोसा जलेबी और ढोकला। ढोकला ढोकला खाई नहीं क्या? ढोकला मस्त है, देखते हैं। ओ ये जरूर लेंगे। मिर्ची हाँ, अमन की जलाने के लिए। क्या काजू कतली भी ले ले अंजीर वाली? क्या काजू कतली? अबे बोलना सीख पहले। काजू कतरी बोलते हैं उसको, कतरी बोलते हैं, कतली। मिठाई भी लेंगे पहले ये ऊपर का सामान ले लेते। चलो ये देखो यहाँ पे फ्री की जलेबी खा रहे। ले तो लिए लेकिन बोले टेस्ट कराओ। आप तो ले तो लिए, पैसा तो दे ही दिए, टेस्ट करके क्या मतलब भाई। ये देखो पिया कुछ नहीं गिला थोड़ा। तो आप लोगों के ना अभी मतलब हाइफा की जो हम लोग कर, हाइफा की जो रस्म कर रहे हैं, इसके बाद आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहेंगे आपके मन में। आप लोग बहुत सारे कमेंट करोगे, हम लोगों को पता है कि क्या क्या कमेंट करने वाले हो, लेकिन अभी आपको पोल नहीं खोलेंगे। वैसे अभी मैंने कड़क कड़क कैश निकाला हूँ क्योंकि हम लोग इसमें ऐसा रहता है लिफाफे में भी, मतलब ऐसा जब रस्म करते तो लिफाफे में भी पैसा डाल के देते हैं और मुँह मीठा मतलब मिठाई विठाई भी खिलाते हैं। तो वो वीडियो में रिकॉर्ड है, कितना जिशान ने निकाला रहेगा। तू क्या गौर से सुन रहे? तेरी शादी नहीं है? अब बोलो मालिक, इतना खर्चा हो ही है, थोड़ा खर्चा और कर लेते हैं। यहाँ हम लोग ने मिठाई ले लिए है, बार बार ये छोटे छोटे डब्बे बनाने में हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया और पीछे सब सामान भी ले लिए है हम लोग ने। मन कर रहा अभी खा लेना, एक्स्ट्रा लिए वैसे भी अपन ने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गले का हार लेने के लिए, तो बिलाल और जाहिद को भेज दिया। लिफाफा भी देना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, ज्यादा दर्द तो ही होता जब ऐसा देने की बात लेने के टाइम। नहीं नहीं वो अपना भी टाइम आएगा ना कभी तो मिलेगा ना। अरे ले खुशी देखो जिशान जी, एक दिन 10,000 डाल के दो। हाँ देंगे देंगे देंगे। लिफाफे में ही 1-2 लाख रुपया जमा हो जावे तो क्या ही मजा। लिफाफे में 2,000 रुपए भी मिल जाए ना तो खुशी होती। काश अपनी अपनी भी मुंह दिखाई होती तो। हाँ होएगी इंशाल्लाह जल्दी। अरे होती है क्या? अगर हो गई हो गई हो गई। अपनी मुंह दिखाई कहाँ होती है, लड़की लोग की होती है, मुंह दिखाई सबकी होती है। लिफाफा पहले वो लेने जाते ना हार, गले का हार लेने जाते। इन लोग आ गए थे हार लेने के लिए, तो ये हार हम लोग ने बनवा लिए है
ये मैंने बनाया ये। हाँ हाँ तू ही बनाया, पीछे आंटी इतनी मेहनत कर रहे और तू बोल रहा तूने बनाया। हाँ हाँ दूसरा बन रहा है अभी, पकड़ जल्दी ले। यहाँ लिफाफे की बहुत सारी वो वैरायटी मिल गई है, तो मैं सोचा ये शगुन वाला लिफाफा ले, जिसमें एक रुपया छिपका रहता है। वो सही है, तो मैंने ले लिया हूँ लिफाफे, ये एक रुपए के शगुन वाले। तो मेरे को अभी पता चला कि ये एक रुपए के शगुन वाले लिफाफे 15 रुपए के मिलते हैं। बाप रे बाप, सही है। 3 रुपए मैंने, गाइस ऐसा बिजनेस कभी आप लोगों ने किया? 3 रुपए में तुमने 45 रुपीज गवाए हो, तो नहीं गवाए तो देखो मैंने अभी अभी गवाए हो। हम लोग सब सामान लेके आ गए हैं, घर की सफाई तो देखो, मतलब कोई आएगा तभी ही जरूरी है कि घर की सफाई हो और घर इतना अच्छा दिखे। नहीं यूं भी रखते हैं साफ, आप रहने दो। हाँ अभी भी तो साफ करे मम्मी, नाथ मम्मी फुल तैयार होके खड़े ले। ए पापा मुझसे जाप, क्या हुआ? तो ये उदापी अपना लिफाफा तैयार करते हुए, मैंने तो अपना लिफाफा तैयार कर दिया, मम्मी का भी तैयार एकदम। मम्मी ले मामू मानी कब उतर रहे? जो लोग बस रास्ते में ही है आने वाले, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों से कुछ शेयर करूं। तो हम लोग ने ये जो मतलब डिसीजन लिए है वो सबने मिलके बहुत ज्यादा सोच समझ के लिए है, बस सब अल्लाह के ऊपर है। हर चीज अपने हाथ में नहीं रहती है, अपने हक में नहीं रहती है, तो बस यही दुआ अल्लाह से, जो भी हो अच्छा हो, अच्छे से हो और खुश रहे। वीडियो में आपने देख ही रहोगे, लास्ट टाइम हम लोग जो रिश्ता फिक्स वाली वीडियो में सबसे पूछ रहे थे कैसा लगा रिश्ता, वो इसी वजह से पूछ रहे थे कि कैसा लगा आप लोगों को, कि सब ठीक है ना, आपको सही लगा ना। तो इस वजह से ये सब हम लोग मतलब अभी आप लोगों को मम्मी लोग का रिएक्शन दिखा दो, पूछ के मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वेट कर रहे जब से खाना तो हाइफा पका, मैं भी पकाई हूँ। जब देखो मैं भी कुछ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। ओ मैगी क्यूब भी चल रहा है गाइस। हेलो गाइस, जो रसम के लिए सामान आए थे वो ये है, मतलब ये सब पहले लाके रखे थे वो अभी लेकर आया, और बाकी जितनी मठा जो भी चीज़ है ना वो सब पैक करके रखे, क्योंकि वो घर पे लेके जाने के लिए ना, ये इसमें सिर्फ ऐसा मुंह मीठा करने के लिए इसमें ऐसा सजा के रखे, बाकी चीज़ बाहर रखी है। बाकी चीज़ रेडी हुई उदापी? यस सब रेडी है। हां सब रेडी है। हैं हैं जाना यार, अच्छा हाथ कांपेंगे तेरे, हाथ बड़ी बहन को मारेगा। तो मेहमान आ गए तो पहले हम लोग शक्कर खिलाते जैसे अंदर आते, तो गाइस मैं सब खा नहीं सकता एकदम, बस मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप लोगों को बता दिया हूँ, तो आप लोग समझ गए रहोगे। जैसे अंदर आते तो हम लोग अंदर आते हैं तो मीठा कुछ खिलाने की जगह शक्कर खिलाने। क्या करने जा रहे हैं अभी तुम लोग? नाश्ता हो गया तो गाइस नाश्ता लग रहा है, और फिर उसका बचा हुआ फूल खाएंगे। हमेशा की तरह ऐड नहीं खाना मिलता है हम लोगों को, लेकिन मैं डाइट पर तो तुम लोग मेरे ज़्यादा खा ले रहे छुट्टी से खाना का फिर पता है देखो इतना सारा सब होता है क्या कर रहे हैं? एक साथ मत पूछे, एक साथ मत पूछे। अभी नहीं बात अरे बच्चे जब अभी सब बोलेंगे खाओ 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 नहीं आप खाओ क्या मेल्टी करने वाले वो लगा रहे क्या लाए हो हैं? जैसे किचन जैसे सब में वैसे किचन में खत्म। बात बता अपनी बारी कब आएगी ये सब? तुम लोग का तो ठीक है, मैं तो मेरा सोच सोच बच्चे एक बात बता अपनी बारी ये सब कब आएगी? ऐसा हो भी सकता है हो गई हो तेरी भी बात करो क्या कर रहा है अभी गाइस डेट में मतलब डेट हम लोग फिक्स कर रहे, तो वही सब कंफर्म कर रहे गाइस। देख रहे हो सब देख रहे हो गाइस डेट जो बोल रहे हैं वो 24-25-26 कोशिश। सो गाइस ये लोग नाश्ता लेकर जा रहे हैं, जाओ लेते जाओ लेते जाओ जाने दो जाने दो। अरे खाओ मत पहले दे दो, खाओ मत पहले दे दो। अभी मुँह खाने का मन हुआ ना मेरा, अभी थोड़ा इमोशनल हो गया। तो इसको इतनी लापरवाह है, इसको पता ही नहीं करिंगर और एप्पल भी रखा हुआ है। अच्छा लग रहा है फा तेरे को? बता दे हाउ इज योर फीलिंग? क्या
रोना नहीं, बस जो पूछा उसका जवाब दे, रोना नहीं, बोल जल्दी, ठीक लग रहा है बस, अब खुश होना चाहिए, आदि हो रही है तेरी, ले आओ बच्ची। अरे भाई भाई मत रो बे, हो जाएगा भाई। रो रहा है फोकट, रो रहा है, विदाई हो रही है। तो नाश्ता जब उठ के आता है तब रमन आराम से थोड़ा कैसा नाशा रख के आया तो सब खाना चालू। ये मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। अबे बस कर, मिर्ची भी दे दो बुक्की। हाइफा को लेके जा रहे गाइस वहाँ बैठाने रसम के लिए। बंगड़ी पिनाने की रस्म चालू है, सूर्य अंगूठी पिनाई जा रही है, तो ये रस्म में दुपट्टा पिनाया जाता है गोल्ड। गाइस ये सोने का दुपट्टा है, सब सामान रेडी जो हुआ हुआ वो लेके जा रहे बाहर हॉल में। चलो चलते बाहर, ट्रेन बनाते, ट्रेन बनाते बाहर, घूमते जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। माशाल्लाह मम्मी आ गई। Thank you.
बुलंद सब आराम काले सबके सामने। हम और इधर तू रोई क्यों नहीं? हाँ झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, रोना चाहिए था तेरे को। दूल्हा जब हम लोग वेट कर रहे थे तेरे को रोना चाहिए था। अच्छा वो क्यों रो रहा था? उसका बाप था। नहीं माँ मम्मी की। अच्छा यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है कुछ तो। फुसुर 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 चुबा मीटिंग का। सो गाइस रसम अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गई। खुश है ना तू? सो गाइस ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं इसलिए लोग हमें कहते हैं फोकस। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।